एबीपी न्यूज प्रस्तुत करता है भारतवर्ष महानायकों की गौरव गाथा अनुपम खेर के साथ। तुम्हारी यही जगह है पृथ्वीराज। ये मेरे लिए ही नहीं परंतु कन्नौज के परमवीर गढ़वाल क्षत्रिय वंश के लिए अपार प्रतिष्ठा का कारण है कि आप जैसे राजा महाराजा युवराज मेरी सौभाग्यवती पुत्री संयोगिता के स्वयंवर में पधारे हैं। स्वयंवर की परंपरा के अनुसार मेरी पुत्री संयोगिता अपने वर का चयन स्वयं ही करेगी। ये क्या द्वारपाल पृथ्वीराज चौहान के गले में माला डाल दी? संयोगिता ये क्या किया तूने? एकदम उचित किया। सैनिकों पकड़ो इस दुष्ट को। स्वयंवर में राजकुमारी संयोगिता ने राजा पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति को ही वरमाला पहना दी। यह भारतवर्ष की सबसे रोमांटिक प्रेम कहानी की एक झलक है। संयोगिता और पृथ्वीराज की प्रेम कहानी हम आपको दिखाएंगे क्योंकि इस स्वयंवर ने न सिर्फ एक अमर कहानी को जन्म दिया बल्कि कहते हैं कि भारत के इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। नमस्कार, मैं अनुपम खेर, टेलीविजन न्यूज इतिहास की सबसे बड़ी सीरीज भारतवर्ष में आपका स्वागत है। भारतवर्ष में हम इतिहास के उस दौर में खड़े हैं जब एक बार फिर भारत छोटे छोटे राजे रजवाड़ों में बिखर रहा था, बटा हुआ था। ये राजे रजवाड़े एक दूसरे से लड़ते मरते रहते। भारत को एक रखने वाली केंद्रीय ताकत नहीं थी। मध्य एशिया अफगानिस्तान से लुटेरे आते थे, लूटमार के बाद वापस लौट जाते थे। इसी बीच अपने पिता की मृत्यु के बाद अजमेर में 11 साल की उम्र में पृथ्वीराज चौहान का राज्याभिषेक हुआ, उसे राजगद्दी पर बिठाया गया। भारतवर्ष में इस बार महान योद्धा पृथ्वीराज चौहान की कहानी, जिसे कई लोग दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला आखिरी हिंदू शासक मानते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः विनायकं गुरुं वानु
ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान सरस्वती प्रणम्यतु सर्व कार्यार्थ सिद्धये। बालक पृथ्वीराज चौहान जिस राज्य की गद्दी पर बैठ रहा था वो राजस्थान का सबसे बड़ा राज्य था। इसे शाकंभरी राज्य भी कहते थे जिस पर चौहान वंश के राजा राज कर रहे थे। अजयमेरु या अजमेर तब शाकंभरी राज्य की राजधानी होती थी। 11 साल के पृथ्वीराज चौहान के लिए राजकाज चलाना संभव नहीं था, लिहाजा उनकी मां यानी महारानी कर्पूर देवी ही शाकंभरी राज चला रही थी। ये राजस्थानी सामाजिक राजनीतिक मूल्यों की एक परंपरा रही है कि राजगद्दी खाली नहीं रह सकती। तो जो भी बड़ा राजकुमार होता था जिसे पाटवी राजकुमार कहा जाता था वो किसी भी उम्र का हो उसे गद्दी पर बैठा दिया जाता था। और उसमें एक प्रोविज़न ये था कि जो उसकी माँ है जो कि राजा की मृत्यु के बाद अब राजमाता का टाइटल ले लेती है वो राजमाता ऑन बिहाफ ऑफ अपने नाबालिग पुत्र के शासन कार्य चलाती थी। पृथ्वीराज का राज्य अभिषेक किन हालात में हुआ था, पिता सोमेश्वर की मौत किन हालात में हुई थी, इसके बारे में कई तरह की कहानियां हैं। एक कहानी का जिक्र पृथ्वीराज रासो में आता है। पृथ्वीराज चौहान और उनके वंश के बारे में सबसे चर्चित किताब पृथ्वीराज रासो ही है। पृथ्वीराज रासो में लिखी सभी कहानियों की ऐतिहासिक पुष्टि नहीं होती है, लेकिन कहानी दिलचस्प है। उस समय आज के गुजरात और तब के वल्लभी में चालुक्य वंश के महाराजा भीमदेव सोलंकी का राज था। भीमदेव सोलंकी के पास बड़ी सेना थी। भीमदेव सोलंकी चंद्रावती की राजकुमारी इच्छन से शादी करना चाहता था। राजकुमारी इच्छन को पाने के लिए चंद्रावती के राजा सलख को चिट्ठी लिखी। लेकिन राजा सलख ने भीमदेव से अपनी बेटी की शादी करने से इनकार कर दिया। पृथ्वीराज रासो के मुताबिक भीमदेव इससे अपमानित हुआ और उसने आबू पर हमला कर दिया। दूसरी तरफ जब यह बात पृथ्वीराज को पता चली तब एक राजकुमारी की मान की रक्षा के लिए बड़े शासक से शत्रुता मोल ली। उन्होंने मान और इज्जत के साथ राजकुमारी इच्छन को अपनी पत्नी बनाया। अजमेर को उसकी राजवधु मिल गई। इससे नाराज भीमदेव ने अजमेर पर आक्रमण किया जिसके दौरान पृथ्वीराज के पिता राजा सोमेश्वर की मृत्यु हो गई। मैं प्रण लेता हूं अपने पिता महाराज सोमेश्वर की मृत्यु का प्रतिशोध नहीं करूंगा। जब तक प्रतिशोध नहीं लूंगा घी नहीं खाऊंगा पगड़ी नहीं पहनूंगा। महाराज पृथ्वीराज चौहान की जय। 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 राजकुमारी इच्छन से विवाह की वजह से पृथ्वीराज चौहान और राजा भीमदेव के बीच ठनी, ऐसा पृथ्वीराज रासो में लिखा है। लेकिन ये बात ऐतिहासिक रूप से सही नहीं लगती। पृथ्वीराज जब 11 साल के थे तभी उनके पिता राजा सोमेश्वर की मृत्यु के बाद राज्याभिषेक हो गया था, ऐसा ज्यादातर इतिहासकारों का मानना है। और राज्याभिषेक के बाद उनकी मां कर्पूर देवी की निगरानी में ही राजकाज चल रहा था। भीमदेव से लड़ाई की असल वजह पृथ्वीराज चौहान की राज्य विस्तार की नीति थी जो पृथ्वीराज के बड़े होने के बाद शुरू होती है। पृथ्वीराज चौहान के राज्याभिषेक को लेकर भी एक बड़ा सवाल है। सवाल यह है कि क्या उसका राज्याभिषेक सिर्फ अजमेर में हुआ था या
अजमेर के साथ साथ दिल्ली में भी हुआ था। किताब पृथ्वीराज रासो के मुताबिक उनके नाना अनंगपाल ही दिल्ली के राजा थे। आप क्या पढ़ रही हैं? आपके नाना जी का पत्र आया है, वो आपको दिल्ली बुला रहे हैं। हम कहीं नहीं जाएंगे, हमारे अजय मेरू को छोड़कर। आपके नाना जी का लिखा हुआ है तो एक बार पढ़ तो लीजिए। नहीं, हम नहीं जाएंगे। महारानी साहब, पधारिए महामंत्री जी, अब आप ही पढ़ के समझाइए इन्हें। बैठिए। आपसे विनती है कि आप अपने कुल दीपक को मेरा कुल दीपक बना दें। पृथ्वीराज को दिल्ली का सम्राट बनाकर बद्रीनाथ वास करना चाहता हूं। पृथ्वीराज हमारे दिल्ली को हमसे बेहतर संभालेगा। मेरी बेटी का बेटा होने के कारण उस पर स्वाभाविक अधिकार है मेरा। ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात है महारानी। संदेश मिलने के बाद कहा जाता है कि पृथ्वीराज का दिल्ली में भी राज्याभिषेक हुआ। पृथ्वीराज रासो की यह कहानी चर्चित है, लेकिन कई इतिहासकार मानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान के दादा वग्रहराज ने 1151 में ही दिल्ली पर कब्जा कर लिया था, पर वो अपना शासन अजमेर से ही चलाते थे, लिहाजा पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली की गद्दी विरासत में मिली थी। ये वही विग्रहराज चतुर्थ है जिसने दिल्ली से तोमर वंश पर सैन्य शक्ति के द्वारा कब्जे में कर लिया, अधिकार कर लिया, और उसने उनको अपने बड़े पद दे करके अपदस्थ कर दिया, राज्य में मिला लिया, चौहान साम्राज्य में मिला लिया दिल्ली को। दिल्ली के मिलते ही मेरठ मंडल, सहारनपुर मंडल, आज का मुरादाबाद मंडल, आज का बरेली मंडल और आज का अलीगढ़ मंडल, ये हिस्से भी स्वतः ही लगभग इनके अधिकार में आ गए। तो चौहानों को नानाओं से मिली हो ऐसा नहीं है। हाँ, ये रिलेशन था कि विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली से तोमर वंश को लड़ाई में और परास्त कर दिया, तो उन्होंने अच्छे संबंध बनाए। उनकी एक राजकुमारी से अपने वंश के एक राजकुमार की शादी करा दी, इस नाते से वो कह सकते हैं कि भाई वो नाना हुआ। इतिहास के जिस दौर में पृथ्वीराज चौहान का राजस्थान में राज्याभिषेक हुआ, भारतवर्ष के लिए वो समय बिखराव का था, आपसी लड़ाई का था, मुसलमान कबीलों की लूट का था। 11वीं शताब्दी में महमूद गजनी के नेतृत्व में उसकी कबीलाई फौज ने मथुरा, वृंदावन, कन्नौज में लूट और आगजनी की। 1025 में महमूद ने अपने आखिरी हमले में सोमनाथ मंदिर को लूटा। उसके मरने के बाद उसके वंशज भारत पर लगातार हमला करते रहे और लूटते रहे। बारहवीं शताब्दी में उसकी जगह गौर के मुइजुद्दीन मोहम्मद ने ली, जिसे हम मोहम्मद गौरी के नाम से जानते हैं। उसने गुजरात पर हमला किया, पर वहां उसे हारना पड़ा। लेकिन पश्चिमी पंजाब में वो अपना राज्य कायम करने में सफल रहा और वो पंजाब के लाहौर में अपना परचम लहराने में कामयाब हुआ। जब बाहर से एक के बाद एक हमले हो रहे थे, उस समय उत्तर भारत के छोटे छोटे राज्य आपसी टकराव और युद्ध में व्यस्त थे। कन्नौज के गढ़वाल, बुंदेलखंड के चंदेल, जबलपुर के पास कलचुरी, मालवा में परमार और गुजरात में चालुक्य वंश का शासन था, जबकि राजस्थान और उसके पास के इलाकों में चौहानों का राज्य था जिसका केंद्र अजमेर था। इन राज्यों के अंदर भी छोटे छोटे सामंत और राजा हुआ करते थे, बड़े राजा से स्वतंत्र होने की कोशिश में रहते थे। कि भारत उस समय सांस्कृतिक दृष्टि से तो एक हो सकता है, क्योंकि तीर्थ स्थानों की स्थापना हो चुकी है और भी कई बहुत से कारण हो थे, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से बिल्कुल एक नहीं था, आर्थिक दृष्टि से भी एक नहीं था। राजनीतिक दृष्टि से जहाँ एक चौहान साम्राज्य था, वहाँ पंजाब जो है वो तुर्क लोगों के पास में था, वहीं जो है गुजरात का अपना राज्य था,
वहीं जो है मध्य प्रदेश में अपना राज्य था, बंगाल में अपना राज्य था, दक्षिण भारत में अपने राज्य थे, तो कोई एक राजनीतिक इकाई थी ही नहीं। पृथ्वीराज चौहान के सामने चुनौती कई थी। पहली चुनौती विरासत में मिली राज्य को एक रखने की थी। महाराज, राज्य में सब कुशल और शांति है, पर सीमा पर इस वक्त शत्रुओं की हलचल बढ़ गई है। कौन है वो शत्रु? एक नहीं कई है महाराज, पर इस वक्त सबसे ज्यादा खतरा विग्रह राज्य के पुत्र नागार्जुन से है। नागार्जुन? जी महाराज, नागार्जुन गुड़पुर पर अधिकार कर अजय मेरु की तरफ बढ़ने की योजना बना रहे हैं। क्या कहा आपने? अजय मेरु? जी। क्या वो जानता नहीं है कि हमारे राज्य में विद्रोह करने का क्या परिणाम होता है? नागार्जुन पृथ्वीराज का चचेरा भाई था, लेकिन उसे विद्रोह का जो परिणाम भुगतना पड़ा वो सचमुच दिल दहला देने वाला था। आज जहां दिल्ली से सटा गुड़गांव शहर है, 12वीं शताब्दी में वो गुड़पुर कहलाता था। पृथ्वीराज चौहान की सेना ने गुड़पुर को घेर कर आक्रमण कर दिया। पृथ्वीराज चौहान के आक्रमण के दौरान नागार्जुन भाग निकला, लेकिन उसके परिवार के लोग और कई सैनिक बंदी बना लिए गए। कहते हैं पृथ्वीराज के आदेश से कई बंदियों का सर धड़ से अलग कर दिया गया, काट दिया गया। पृथ्वीराज चौहान के आदेश से कटे हुए सिरों को बंधनवार की तरह अजमेर के दरवाजे पर सजाया गया। ये पृथ्वीराज के दुश्मनों के लिए एक बड़ी चेतावनी थी। इस जीत के बाद भी पृथ्वीराज का सैनिक अभियान रुका नहीं। पृथ्वीराज चौहान ने अपना सैनिक अभियान जारी रखा। गुड़पुर के बाद उसने भंडानक प्रदेश पर आक्रमण किया और उसे पराजित कर अपने राज्य में मिला लिया। ऐसा अनुमान है कि भंडानक प्रदेश चौहान राज्य की पूर्वी सीमा से सटा था। भंडानकों के राज्य पर अधिकार कर लेने के बाद पृथ्वीराज की सेना चंदेल राज्य की तरफ बढ़ी, जो आज उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में फैले बुंदेलखंड का इलाका है। महोबा चंदेल राज्य की राजधानी थी। चंदेल योद्धा आल्हा और उदल की वीरता के बावजूद पृथ्वीराज को जीत मिली। इस जीत से उसकी सीमा का विस्तार तो ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन वो धन संपदा जुटाने में कामयाब रहा। इनके मन में शायद यही बात थी कि एक साम्राज्य की स्थापना हो। क्यों? क्योंकि चौहान वंश पहले ही बहुत फैला हुआ है, विख्यात है, जाना माना है। जिनके साथ इन्होंने युद्ध किया उनको या तो इन्होंने बंदी बना लिया या उन्होंने इनकी आधिपत्य को स्वीकार कर लिया। तो शायद ये इनके दिमाग में यही रोड मैप होगा कि मैं अपने काल का एक राजा बन जाऊँ। अब 20-22 साल का युवक अगर 10 साल भी लड़े, 20 साल भी लड़े, तो 20 साल बहुत हैं सूझबूझ और स्वयं नेतृत्व करके राज्य विस्तार करने के लिए। शुरुआती सैनिक अभियानों में मिली जीत से पृथ्वीराज की महत्वाकांक्षाएं जाग उठी। वो सम्राट बनना चाहता था, दिग्विजय करना चाहता था। वो सम्राटों की तरह आसपास के सभी राज्यों को जीतने की योजना बनाने लगा, लेकिन यह आसान नहीं था। उन दिनों कुछ बड़े राजपूत राज्य पृथ्वीराज चौहान को टक्कर देने की स्थिति में थे, और एक विदेशी आक्रमणकारी का खतरा भी पंजाब से लगने वाली उसकी सीमा पर दस्तक दे रहा था। महाराज, हमारे राज्य के दक्षिण में चालुक्य राजा भीमदेव की शक्ति बढ़ती जा रही है, यह हमारे लिए समस्या खड़ी कर सकते हैं। ऐसा क्यों? नाडोल और आबू के पास हमारी सीमाएं चालुक्य राज्य से मिलती हैं, और वो इन्हीं रास्तों से हमारे सीमावर्ती इलाकों पर कब्जा करने की कोशिश में।
महाराज, चालुक्य की सेना शक्तिशाली है और उन्होंने अभी अभी मोहम्मद गौरी को हराया है। मोहम्मद गौरी? महाराज, मोहम्मद गौरी पश्चिम में मुल्तान उच्च और सिंध को जीतता हुआ चालुक्यों की सीमा में घुसने की कोशिश की थी, परंतु चालुक्यों से मिली हार के बाद अब वो पंजाब की ओर रुख कर चुके हैं। पंजाब की ओर? मोहम्मद गौरी को सिंध में गुजरात के चालुक्य राज्य भीमदेव की सेना ने हरा दिया। लेकिन मोहम्मद गौरी ने इस हार के बाद अपनी नीति बदली। उसने पश्चिमी पंजाब पर कब्जा करना शुरू कर दिया। 1179-80 में पेशावर पर कब्जा किया और 1181 में उसने लाहौर पर कब्जा कर लिया। भारतवर्ष में आगे देखेंगे। पिताजी अपने जाने में तो दिल्ली नरेश पृथ्वीराज को ही अपना जीवन धन मान चुकी हूँ। यदि महाराज जयचंद ने तुम्हारे मन की बात जान ली तो? संयोगिता के मन में पृथ्वीराज बसते हैं और जहाँ पृथ्वीराज हो वहाँ भय नहीं रहता। मैं पिता की शत्रुता में अपने स्नेह को स्वाह नहीं होने दूंगी। मोहम्मद गौरी 1186 तक पृथ्वीराज चौहान को चुनौती देने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया था। सवाल था कि कब और कहां। उधर पृथ्वीराज चौहान राजपूत राजाओं पर शुरुआती जीत के बाद गुजरात के भीमदेव से भिड़े, लेकिन इस लड़ाई में किसी को कोई निर्णायक जीत नहीं मिली। पृथ्वीराज चौहान नौजवान थे, महत्वाकांक्षी थे और रुकने वाले नहीं थे। अब पृथ्वीराज चौहान ने अपना रुख कन्नौज की तरफ किया। कन्नौज से दो तरह की कहानियां आती हैं, एक युद्ध की और दूसरी अमर प्रेम की। पहले बात अमर प्रेम की। इस कहानी का एक पात्र है संयोगिता और दूसरा पृथ्वीराज चौहान। पिताजी अपने जाने में तो दिल्ली नरेश पृथ्वीराज को ही अपना जीवन धन मान चुकी हूँ। संयोगिता के पिता कन्नौज के राजा जयचंद थे। राजा जयचंद और पृथ्वीराज के बीच भारी मनमुटाव था। दोनों ही एक दूसरे को नीचा दिखाने और राज्य पर कब्जा करने की कोशिश में लगे रहते थे। यदि महाराज जयचंद ने तुम्हारे मन की बात जान ली तो? संयोगिता के मन में पृथ्वीराज बसते हैं और जहाँ पृथ्वीराज हो वहाँ भय नहीं रहता। मैं पिता की शत्रुता में अपने स्नेह को स्वाह नहीं होने दूंगी। संयोगिता पृथ्वीराज के प्रेम में डूबी थी। पृथ्वीराज की वीरता की खबर दूर दूर तक फैल चुकी थी। वीरता के इन कहानियों से संयोगिता भी अछूती नहीं थी। दूसरी तरफ संयोगिता की सुंदरता की चर्चा भी दूर दूर तक थी। पृथ्वीराज को भी संयोगिता की सुंदरता के बारे में खबर थी। वो संयोगिता से मिलने का सही मौका ढूंढ रहे थे। चंदबरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो का लगभग एक तिहाई भाग पृथ्वीराज और संयोगिता के प्रेम प्रसंगों से भरा है। यहाँ तक कि अकबरनामा और आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल ने इस प्रेम प्रसंग का जिक्र किया है। पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर आधारित किताब पृथ्वीराज विजय में राजकुमारी तिलोत्मा का जिक्र है, जो संयोगिता की कहानी से मिलती जुलती है। एक दूसरी किताब सुरजन चरित में संयोगिता का नाम कांतिमती है। पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता के प्रेम प्रसंग को फिलहाल यहीं रोकते हैं, क्योंकि पृथ्वीराज को जल्द ही एक ऐसी चुनौती का सामना करना पड़ा जिसमें हार का मतलब सिर्फ चौहान राजवंश का अंत नहीं था, बल्कि भारतवर्ष में धर्म के नाम पर कत्लेआम मचाने वाले विदेशी शासकों का कब्जा था। चौहान को चुनौती देने वाला था मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी। मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी ने गुजरात में हारने के बाद 13 साल में पेशावर, रावलपिंडी, लाहौर
सियालकोट जैसे इलाकों पर एक छत्र राज कायम किया। अब वो दिल्ली की तरफ बढ़ना चाहता था, इसी मकसद से उसने सरहिंद के किले पर कब्जा कर लिया। पृथ्वीराज चौहान के राज्य की सीमा सरहिंद से लगती थी। यहाँ गौरी और चौहानों की सेना के बीच अक्सर झड़पें होती रहती थी। सरहिंद के किले को फतह करो और फतह करने के बाद काजी जियाउद्दीन आप पूरी फौज के साथ उसकी हिफाजत करेंगे। पृथ्वीराज को यह कबूल नहीं था। गौरी से निपटने के लिए उसकी सेना आगे बढ़ी। उधर मोहम्मद गौरी ने भी खुद मोर्चा संभालने का फैसला किया। दोनों की सेना तराइन में आ डटी। आज जहां पंजाब का बठिंडा जिला है, उसके करीब ही तराइन का मैदान है। तराइन के मैदान में पृथ्वीराज के सैनिक मोहम्मद गौरी की फौज पर टूट पड़े। तराइन में मोहम्मद गौरी और उसकी फौज की बुरी गत हुई। मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज के भाई और दिल्ली के सामंत गोविंद राज ने भाला मारकर जख्मी कर दिया। अधमरी हालत में उसका एक सैनिक उसे लड़ाई के मैदान से बचा ले गया। उन पर ये ब्लेम है कि भाई उन्होंने भागते हुए मोहम्मद गौरी की सेनाओं को घुड़सवार दस्ते भेज करके कटवाया नहीं, भागते हुए शत्रुओं को, ये उनकी गलती थी। ये वास्तव में एक कूटनीतिक उनसे गलती हुई है। शायद यहाँ वो उन उच्च मानवीय और सांस्कृतिक परंपराओं के वाहक बने हुए दिखते हैं। पृथ्वीराज के शत्रु ने अगर पीठ दिखा दी तो उसको पीछे से नहीं मारना। यहाँ बहुत सारे प्रश्न हैं। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कि पृथ्वीराज चौहान ने गौरी का पीछा कर उसे मारा क्यों नहीं, खत्म क्यों नहीं किया? अगर मार देते तो भारतवर्ष का इतिहास क्या कुछ और होता? खैर, इस लड़ाई को तराइन की पहली लड़ाई कहा जाता है और इसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई और इस जीत ने उसे भारतवर्ष का सबसे चमकदार तारा बना दिया। उधर संयोगिता कन्नौज में उस सूर्य की रोशनी को समेटने के लिए तैयार थी। इससे बेखबर संयोगिता के पिता जयचंद ने कन्नौज में संयोगिता के लिए स्वयंवर रखा। राजा जयचंद ने संयोगिता के स्वयंवर के लिए देश भर के राजकुमार राजा महाराजा को बुलाया, लेकिन पृथ्वीराज को आमंत्रित नहीं किया। तुम्हारी यही जगह है पृथ्वीराज। इतना ही नहीं, पृथ्वीराज को अपमानित करने के लिए द्वारपाल की जगह पृथ्वीराज की मूर्ति लगवा दी। ये मेरे लिए ही नहीं परंतु कन्नौज के परमवीर गढ़वाल क्षत्रिय वंश के लिए अपार प्रतिष्ठा का कारण है कि आप जैसे राजा महाराजा युवराज मेरी सौभाग्यवती पुत्री संयोगिता के स्वयंवर में पधारे हैं। स्वयंवर की परंपरा के अनुसार मेरी पुत्री संयोगिता अपने वर का चयन स्वयं ही करेगी। पृथ्वीराज चौहान राजा जयचंद के दरबार में पनवारी के रूप में मौजूद थे। उन्हें मौके का इंतजार था। ये क्या,
द्वारपाल पृथ्वीराज चौहान के गले में माला डाल दी। संयोगिता, ये क्या किया तूने? एकदम उचित किया। पकड़ो इस दुष्ट को। किसी भी राजकुमारी का जो ब्रिंगिंग अप होता था वो इसी तरह के ड्रीम्स के साथ होता था कि एक योद्धा जो है वो उसके जीवन में आए। तो ऐसी स्थिति में संयोगिता का उसके तरफ आकर्षित होना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, और पृथ्वीराज का भी अगर उसके गर्व को और उसके अभिमान को कहीं पर चोट पहुंचाई गई है तो उस स्थिति में भी उसका वहां उपस्थित होना कोई अनहोनी बात नहीं थी। तीसरी बात, जैसा मैंने कहा कि धर्मशास्त्र के अनुसार स्वयंवर भी जो है वो स्वीकृत विवाह है, तो ये संयोगिता का के साथ उसका विवाह या प्रेम प्रसंग कोई ऐसी अनहोनी घटना नहीं थी। कन्नौज का राजा जयचंद पृथ्वीराज चौहान का शत्रु तो था ही, लेकिन संयोगिता के हरण और शादी ने आग में घी का काम किया। पहले से ही पृथ्वीराज चौहान की बढ़ती ताकत से उत्तर भारत के कई शक्तिशाली राजपूत राजा उसे नापसंद कर रहे थे। इन सब खतरों से बेपरवाह पृथ्वीराज सकुशल संयोगिता को लेकर दिल्ली पहुंच गए। पृथ्वीराज संयोगिता के प्रेम में इस तरह डूबे कि दिन दुनिया राजपाट की उन्हें कोई फिक्र न रही। मंत्री और आम लोगों से पृथ्वीराज ने मिलना ही छोड़ दिया। दूसरी तरफ पृथ्वीराज से पराजित गौरी की नजर बदले पर थी। गौरी के लिए नींद और आराम दोनों ही हराम हो गए थे। जब से हिंद के राजा से मैं हारा हूं, अपने जिस्म से कपड़े नहीं बदले, औरतों से दूर रहा, जंग से दूर रहने वालों को मैंने मुंह भी नहीं देखा। मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, फिर से फौज को इकट्ठा करना और फिर से हमला। और हमला हुआ भी सिर्फ एक साल बाद 1192 में। उधर संयोगिता के हरण और विवाह से पृथ्वीराज चौहान अपने महल से बाहर नहीं आता था। पृथ्वीराज रासो में चंद बरदाई ने लिखा है कि गौरी के दोबारा हमले की सूचना देने वो महल पहुंचा। उसने अंतःपुर की सेविका को हालात के ब्यौरे के साथ पत्र दिया। सेविका चिट्ठी लेकर अंदर गई। महाराज पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता शयन कक्ष में थे, लिहाजा वो बाहर ही चिट्ठी छोड़कर आ जाती है। उस जगह पर पहले ही कई राजकीय पत्रों का ढेर था, मतलब पृथ्वीराज ने उन पत्रों को पढ़ा तक नहीं था। सेविका ने चंद बरदाई को इस बारे में बता दिया। गौरी सरहिंद को जीतकर बढ़ता आ रहा है और महाराज को रूप रंग के आगे कोई खबर ही नहीं है। मैं प्राणों की आहुति देकर भी उनको चकाऊंगा। कुछ इन हालात में पृथ्वीराज को पता चला कि एक बार फिर सरहिंद पर कब्जा करता हुआ मोहम्मद गोरी दिल्ली की तरफ बढ़ने जा रहा है। भारतवर्ष में आगे देखेंगे। तमाशा दिखा रहा है पिथौरा। बाण चला, बाण चला रहा है पिथौरा, बाण चला। चला चला, चार पास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, दाव पर सुल्तान है मच्चू को चौहान। भारतवर्ष में अब तक आपने देखा, अब
आपके नाना जी का पत्र आया है, वो आपको दिल्ली बुला रहे हैं। हम कहीं नहीं जाएंगे हमारे अजय मेरू को छोड़कर। मैं प्रण लेता हूँ अपने पिता महाराज सोमेश्वर के मृत्यु का प्रतिशोध लेकर। महाराज पृथ्वीराज चौहान की जय। महाराज पृथ्वीराज चौहान की जय। नागार्जुन गुड़पुर पर अधिकार कर अजय मेरू की तरफ बढ़ने की योजना बना रहे हैं। क्या वो जानता नहीं है कि हमारे राज्य में विद्रोह करने का क्या परिणाम होता है? संयोगिता, ये क्या किया तूने? एकदम उचित किया। सैनिकों, पकड़ो इस दुष्ट को। जब से हिंद के राजा से मैं हारा हूं, अपने जिस्म से कपड़े नहीं बदले। मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, फिर से फौज को इकट्ठा करना और फिर से हमला। गोरी पिछले एक साल से इस हमले की तैयारी कर रहा था, जबकि पृथ्वीराज जीत के बाद अपने लोगों से दूर होता जा रहा था। उधर संयोगिता के हरण से उत्तर भारत के सबसे बड़े राज्य कन्नौज के राजा जयचंद से किसी मदद की उम्मीद नहीं थी। गुजरात के भीमदेव और बुंदेलखंड के राजाओं से भी पहले लड़ चुका था, इसलिए राजपूत एकजुट होकर लड़ने के लिए तैयार ही नहीं थे। दूसरी तरफ गोरी 125,000 कवचधारी योद्धाओं की फौज लेकर पृथ्वीराज को टक्कर देने के लिए आगे बढ़ रहा था। एक बार फिर तराइन के मैदान में पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी की फौज का आमना सामना हुआ। मैदान वही, प्रतिद्वंद्वी वही, लेकिन क्या परिणाम वही होने वाला था जो एक साल पहले हुआ था? युद्ध शुरू होता उससे पहले मोहम्मद गौरी ने संधि समझौते के लिए प्रस्ताव भेजा। पृथ्वीराज ने उस प्रस्ताव को माना या ठुकराया यह स्पष्ट नहीं है। दोनों की फौज आमने सामने रही, छिटपुट हमले होते रहे। एक रात जब पृथ्वीराज सोया था, तभी गौरी घुड़सवार फौज ने उसके कैंप पर हमला बोला। यह तराइन की दूसरी लड़ाई थी। जैसे तैसे हमले से बचते बचाते पृथ्वीराज चौहान ने संघर्ष किया, लेकिन उसकी फौज में खलबली मच चुकी थी। युद्ध का मैदान वही था, दुश्मन वही था, लेकिन इस बार पराजय पृथ्वीराज चौहान की हुई। यह सिर्फ पृथ्वीराज चौहान की पराजय नहीं थी, हिंदुस्तान की पराजय थी। और मोहम्मद गौरी की शक्ल में पहली बार बाहरी शासक इस देश में स्थायी राज स्थापित करने में कामयाब हुआ। भारतीय इतिहास का ये टर्निंग पॉइंट था, जिसकी चोट भारत कई शताब्दियों तक झेलता रहा। 2 साल के भीतर गोरी की सेना पंजाब से शुरू होकर वाराणसी तक पहुंच चुकी थी और उसे रोकने वाला कोई पृथ्वीराज चौहान मौजूद नहीं था। पृथ्वीराज चौहान तराइन से निकलने में कामयाब हुए, लेकिन गोरी की सेना ने सिरसा में उन्हें पकड़ लिया। कुछ लोग कहते हैं कि पृथ्वीराज को वही गोरी ने मरवा दिया, जबकि कुछ सिक्के मिले हैं जिससे पता चलता है कि पृथ्वीराज ने गोरी की अधीनता मान ली और सालाना नजराने के एवज में उसे राज चलाने का अधिकार मिला। इन कहानियों से अलग एक तीसरी कहानी है जो सबसे ज्यादा प्रचलित है। पृथ्वीराज रासो के मुताबिक मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज को बंदी बनाकर अपने साथ गजनी ले गया था। गौरी ने पृथ्वीराज की आंखें निकलवा दी थी। हिंदुस्तान के जाबाज के नाम से लोग कांपते थे, आज वही मेरे सामने हाथ बांधे खड़ा है। हम इसे मौत तो जरूर देंगे, लेकिन इतनी आसानी से नहीं। सुना है ये आवाज के इशारे पे तीर चलाता है? सुल्तान, शब्द भेदी बाण कहते हैं। आज इसे मौत देने से पहले हम वो आखिरी तमाशा देखेंगे। खोल दो इसके हाथों की जंजीरें, तमाशा दिखा रहा है पिथौरा। बाण चला, बाण चला रहा है पिथौरा, बाण चला। चला चला। 4 पास 24 गज,
अंगुल अष्ट प्रमाण, दाव पर सुल्तान है मच्चू को चौहान। ये सुनते ही पृथ्वीराज अपना सर घुमाता है और तीर चला देता है। तीर सीधे मोहम्मद गौरी के गर्दन में जा लगती है। गौरी कटे पेड़ की तरह गिर पड़ता है। पृथ्वीराज रासो के मुताबिक मोहम्मद गौरी को तीर लगते ही चंद बरदाई और पृथ्वीराज ने वहीं एक दूसरे को कटार मारकर आत्महत्या कर ली थी। कहा जाता है कि इस अंत से पहले ही चंद बरदाई ने अपने बेटे को अपनी किताब पृथ्वीराज रासो सौंप दी थी और चंद बरदाई के बेटे ने ही किताब में यह कहानी जोड़ी थी। ये कहानी देखने सुनने में बहुत वीरतापूर्ण लगती है, लेकिन ज्यादातर इतिहासकार इसे सही नहीं मानते। बहरहाल, पृथ्वीराज की मृत्यु ने विदेशी आक्रमणकारियों के लिए भारत का दरवाजा खोल दिया। गोरी, लोदी, ऐबक, बाबर और फिर अंग्रेजों ने भारतवर्ष में जो किया वो एक अलग ही कहानी है। लेकिन कुछ सवाल हैं जो आज भी भारतवासियों को कचोटते हैं। क्या पृथ्वीराज का साथ तब के देसी राजा महाराजा नहीं दे सकते थे? क्या साथ मिलकर दुश्मन से लड़ा नहीं जा सकता था? अपने छोटे छोटे हित और स्वार्थों से ऊपर उठकर क्या पूरे भारतवर्ष के बारे में नहीं सोचा जा सकता? ऐसे सवाल तो आज के लिए भी प्रासंगिक है, इस बारे में सोचिएगा जरूर। भारतवर्ष के अगले एपिसोड में देखिए। हमने तुम्हें सुबह बुलवाया था, तुम शाम तक आए क्यों? मैंने एक नजारा देखा, उसी को देखने में अटक गया। ऐसा कौन सा नजारा हो सकता है जो सुल्तान की हुकुम उदुली करने को मजबूर करे? मैंने सुई की नोक से भी बारीक छेद से एक कारवां गुजरता हुआ देखा। तुमने सुई की नोक से भी बारीक छेद से एक कारवां गुजरता देखा? झूठे हो तुम। भारतवर्ष, महानायकों की गौरव गाथा, अनुपम खेर के साथ।